दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आप सभी को पता है खबरें चलती ही रहती हैं, लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक नया मामला सामने आ गया है। आप सभी को पता होगा राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पर लगातार सुनवाई कर रही है, लेकिन फैसला आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने जो है एक बयान दिया है जिसको लेकर के अब विवाद आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा क्या है। दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन्होंने जो है ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की महाराज की स्मृति में गोरखपुर के चंपा देवी तारा मंडल में आयोजित रामकथा की शुरुआत में शनिवार को कहा था कि बहुत जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। उन्होंने यह बात कहते हुए राम मंदिर का नाम लिए बिना इशारों में कही थी, जिसको लेकर के एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूं इस पे विवाद क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों ये बयान जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने दिया है उसके बाद से लगातार यूपी के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इनके पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर चिंता जताई है जिसमें उन्होंने राम मंदिर का नाम लिए बिना इशारों में कहते हुए कहा था कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। इस पे जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को ये कैसे पता कि कोर्ट का निर्णय क्या आएगा। वह कहते हैं कि भाजपा बीजेपी संविधान और देश के कानून पर कम भरोसा करती है, तो हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि कोर्ट को का जो निर्णय आएगा वो पूरे देश को मानना होगा। आखिरकार योगी के बयान को लेकर के उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि योगी आदित्यनाथ जी को ये कैसे पता हो गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देने वाला है और उससे पहले लोगों को ये खुशखबरी किस तरह से दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान पे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसपे उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्दी जो है खुशखबरी मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं ये बस सही भी है क्योंकि कोर्ट में ये फैसला अभी पेंडिंग है और इस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन अगर कोई ये पहले ही दावा कर दे कि मेरे हक में फैसला या फिर हमको खुशखबरी मिलने वाली है तो एक बार सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है। दोस्तों इस पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।